संपूर्ण ब्रह्मांड चांद सूरज अनगिनत सितारों से जगमग आकाश गंगा, ब्रह्मांड में मौजूद नवग्रहों से प्रभावित पृथ्वी और जीव जगत, हर ग्रह का एक अधिपति स्वामी होता है। इन्हीं नौ ग्रहों के प्रभाव से मानव जगत का निर्माण और विध्वंस होता है। यही है ग्रहों की गति का मानव जगत पर जीवन और मृत्यु रूपी काल चक्र। नवग्रहों रूपी इस काल चक्र के मध्य स्थित मानव जीवन सुख दुख पाप पुण्य विनाश शांति आदि को भोगता है। अपने जीवन को सुखी सुरक्षित आरोग्य बनाए रखने के लिए मानव अनादिकाल से नौ ग्रहों की शांति के लिए पूजा अर्चना यज्ञ आदि कराते आ रहे हैं। मानव अपनी जिंदगी को मृत्यु पर्यंत खुशहाल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है और ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ग्रह स्वामी की प्रसन्नता का पात्र बनना चाहता है। आइए आज हम इन नव ग्रहों में से मंगल ग्रह और भगवान मंगलनाथ के बारे में जानें। भगवान मंगलनाथ का यह मंदिर महाकाल नगरी अवंतिका उज्जैनी में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। शिव स्वरूप मेढ़ा की सवारी करने वाले चार भुजाधारी भगवान मंगलनाथ का सिद्ध मंगलनाथ मंदिर। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर का युद्ध अंधकासुर नामक राक्षस से इसी स्थान पर हुआ था। अंधकासुर राक्षस को भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त था, यदि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरती तो उसके अनेकों राक्षस पैदा हो जाते थे। अंधकासुर राक्षस ने देवी देवताओं ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया। सब घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। भगवान विष्णु अंधकासुर की शक्तियों के बारे में जानते थे, उसे मारना असंभव था, इसीलिए भगवान विष्णु ने उन्हें भोलेनाथ शंकर के पास भेजा। भगवान भोलेनाथ ने अंधकासुर के इन अत्याचारों को देख स्वयं युद्ध करने का विचार किया। अंधकासुर चूंकि वरदान प्राप्त राक्षस था, इसीलिए भोलेनाथ शंकर अपने त्रिशूल से युद्ध करते करते थक गए। उनके शरीर से पसीना बहने लगा और पसीने की कुछ बूंदें इसी स्थान पर गिरी जो कि धरती माँ की गर्भ में समा गई। धरती के गर्भ में लाल लावे से मिश्रित होकर
अग्नि रूपी भगवान हरेश्वर अपने पूरे ताप के साथ धरती पर प्रकट हुए। उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर वार कर दिया। अंधकासुर का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही अंगारेश्वर भगवान मंगलनाथ ने अपने लाल ओजस्वी तप से अंधकासुर दैत्य का अंत कर दिया और इस तरह एक पापी का नाश हो गया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से शिव स्वरूप अंगारेश्वर महादेव, जो लोगों के लिए मंगलकारी हैं, मंगल ग्रह के स्वामी कहलाए। भूमि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। मंगल भगवान अग्नि तत्व हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें अवंतिका नगरी में तीसरा स्थान दिया है। स्कंद पुराण में बताया है कि जिस प्रकार से काशी शिवपुरी है, उसी प्रकार शिवनगरी अवंतिका उज्जैनी है। अवंतिका नगरी में इतने मंदिर हैं कि एक बोरी चावल की लेकर एक एक चावल का दाना प्रत्येक मंदिर में चढ़ाया जाए तो चावल की बोरी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मंदिर खत्म नहीं होंगे। अब हम आपको अंगारेश्वर भगवान के पावन पवित्र मंदिर मंगलनाथ की ओर ले चलते हैं। वर्तमान में हम रमेश भारती हैं, हम हमारा परिचय ये है और हम यहाँ के महंत हैं। सारा मंदिर संचालन, रख रखाव, पूजा सेवा अर्चना सब हम ही करते हैं। ये निरंजनी अखाड़े की एक शाखा है, उसी से संबंधित है, या यूँ कहिए कि निरंजनी अखाड़े का स्थान है। और समय समय पर यहाँ नागाओं की ये नागाओं का स्थान है। यहाँ के महंत मठादि जो थे वो नागा रहते थे। ये नवग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। भगवान शिव के द्वारा मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। भगवान मंगलनाथ की पूजा अर्चना शिव स्वरूप होती है। महामंगलनाथ की सवारी वाहन मेढ़ा है। वे हमेशा स्वामी की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनके कर्ण में आवाज लगाने से मंगल भगवान भक्तगणों की आवाज सुनकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसी मनोधारणा है। भगवान मंगलनाथ को शिव स्वरूप माना गया है। इस कारण पूजन के समय उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर और सुगंधित द्रव्य से केसर स्नान और विजया स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात उनके प्रिय गुलाल से उन्हें सुशोभित किया जाता है। वैसे तो मंगलनाथ मंदिर में विशेष श्रृंगारों के आयोजन दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। भात श्रृंगार, विजया श्रृंगार, सफेद मावे से श्रृंगार, छप्पन भोग श्रृंगार,
आदि। छप्पन भोग श्रृंगार दीपावली त्योहार पर विशेष रूप से किया जाता है। इसी दिन महामंगलनाथ की खूबसूरती देखते ही बनती है। मंगलनाथ मंदिर में रोज सुबह 5 बजे और सायंकाल 6 बजे आरती की जाती है। मंगलवार के दिन विशेष आरती में भक्तगण बहुत ही श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूर्ण लाल श्रृंगार के साथ भगवान मंगलनाथ जी के दर्शन कर उनकी वाहन सवारी मेढ़ा को स्पर्श कर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखते हैं। मंदिर विधान की परंपरा अनुसार जो भी भक्तगण घंटी बजाकर अपनी उपस्थिति भगवान मंगलनाथ जी के समक्ष दर्ज कराता है उसे शिव स्वरूप शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भगवान मंगलनाथ 4 भुजाधारी, दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, सोने का मुकुट, धर्म की प्रतीक गले में लाल मालाएं, सुशोभित लाल वस्त्र धारण किए हुए सौम्य शांत चित्त भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु भक्तगण अपने आप को धन्य समझते हैं। उनके समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पूजा आरती करने से ये एहसास होता है कि अब उनका मंगल ही मंगल होगा। धरती मां की उपासना कर भूमि पुत्र मंगलनाथ से की गई फरियाद कभी निष्फल नहीं होती है। यही है मंगलनाथ की महिमा। मंगलनाथ मंदिर प्रांगण में मां भुवनेश्वरी देवी की प्रतिमा भी स्थापित है। भगवान मंगलनाथ चूंकि भूमि पुत्र हैं इसीलिए भूमि माता की पूजा अर्चना के बाद मंगलनाथ जी की पूजा करने से भूमि संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। खेतीहर किसानों को आश्चर्यजनक लाभ होता है। मंगल ग्रह का शांति पूजन और मंगल दान केवल मंगलनाथ मंदिर में ही करने से विशेष लाभ मिलता है। मंगल भगवान को अंगारेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। इनमें अग्नि तत्व होने के कारण यदि किसी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव है तो कार्यों में कई बाधाएं उत्पन्न होती है। इन बाधाओं को दूर करने का सही उपाय है विधि विधान से भात पूजा। दही भात मिलाकर शिव स्वरूप मंगल भगवान पर चढ़ाया जाता है। भगवान प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि करते हैं और मंगल की पीड़ा शांत हो जाती है। मंगल ग्रह मनुष्य के शरीर में रक्त संचार का स्वामी भी है। मंगल ग्रह की नियमित पूजा अर्चना से रक्त संचार संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। यदि जन्म कुंडली में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में मंगल ग्रह स्थित है तो विवाह संबंधी परेशानियां आती हैं। शांति पूजन और मंगल दान से इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। मंगल दोष की पीड़ा से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है मंगलनाथ की विधिवत पूजा अर्चना और मंगल दान। इस दान में 1.25 किलो गेहूं और मसूर, गुड़ 0.5 किलो, गुलाल, तांबे का पात्र, कनेर के फूल, केसर, लाल चंदन, कस्तूरी मूंगा, 1 मीटर लाल कपड़े में बांधकर भगवान मंगलनाथ जी के चरणों में अर्पित करने से
मंगल दोष की पीड़ा समाप्त हो जाती है। वेद पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि मंगल यंत्र के 21 कोण हैं, मंगल भगवान के 21 अलग अलग नाम हैं और 21 मंत्रों का जाप करने के बाद 21 लाल फूल और दूध की धारा से पूजन करने पर जीवन में खुशहाली और ऋण से मुक्ति मिलती है। पवित्र धाम मंगलनाथ मंदिर में हर वर्ष 9 दिन का मंगल उत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इस मंगल महोत्सव बेला में देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण भगवान मंगलनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। काली जी ने मालूम हो गए, काली जी ने भेजू हो, काली जी
इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समापन के बाद भगवान मंगलनाथ का पवित्र भंडारा और भोजन प्रसादी का आयोजन होता है। इस भोजन प्रसादी को प्राप्त कर भक्तगण मंगलनाथ की कृपा के पात्र बनते हैं और उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है।